अमृतसर में विजयादशमी पर्व के अवसर पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम देख रहे लोगों की ट्रेन हादसे में हुई हृदय विदारक असमय मौत से दुखी आदर्श महिला कल्याण समिति के सदस्यों ने शनिवार को चेतना तिराहे पर कैंडल जलाकर मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और मृतक आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अमृतसर में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान भगदड़ मच गई जिससे वहां मौजूद लोग पीछे रेलवे लाइन की तरफ भागने लगे। उसी दौरान ट्रेन आ गई जिसके कारण लगभग 60 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। घटना से पूरे देश में लोग दुखी हैं। शनिवार को महिला संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर मृतक आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, डॉ. रेखा रानी शर्मा, दिलजीत कौर, तबरेज आलम, चित्रा देवी, रूप रानी, नीलम, माया, अलका जायसवाल सहित अन्य महिलाएं और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुनिशा श्रीवास्तव और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, आनंद भैया ये कल अचानक हम लोगों ने न्यूज़ सुना कि इतनी दर्दनाक घटना हुई और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि रावण जल रहा है और तमाम जगहों से रावण जलने की, दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने की न्यूज़ आ रही थी और अचानक ये दर्दनाक न्यूज़ जब हम लोगों ने सुना तो कल सच कहूँ मेरे परिवार में किसी ने खाना नहीं खाया और तभी हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया कि आज हम उनको श्रद्धांजलि देंगे और ये हमारी संस्था आज यहाँ श्रद्धांजलि देने उपस्थित है। सुनिशा श्रीवास्तव। अमृतसर में जो कल एक हृदय विदारक घटना हो गई, ट्रेन की पटरियों पे लोग खड़े होकर राम लीला का मेला देख रहे थे और रावण दहन का उस समय कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय पटरियों पर ट्रेन आ गई और लोग दुर्भाग्य से काल के गाल में समा गए। हम लोग आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों ने कैंडल यहाँ पे जलाया है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ आम जनमानस से कि आप सुरक्षित रहें, ध्यान दीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे चल रहे हैं, दुर्घटना न हो, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं। यही हमारा आग्रह आम जनमानस से है कि ऐसे दुर्घटना पुनः न घटे, क्योंकि उनके उस दुर्घटना से हम सब यहाँ जब यहाँ पे व्यथित हैं तो उनका परिवार कितना व्यथित होगा। हम लोग उनको शत शत नमन करते हैं।